हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ऐसे शेयर के बारे में जिसकी प्राइस 100 रुपीज के आसपास है और शेयर में काफ़ी बड़ी न्यूज़ आने वाली है जिसके कारण शेयर में तेज़ी बनी हुई है। इस शेयर में हो सकता है और भी तेज़ी बने क्योंकि इसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है जो कि 29 दिसंबर को है और उसमें बड़ी धमाकेदार अपडेट आने वाली है जिसके कारण शेयर में सर्किट लगा हुआ है। आप इस शेयर को स्टडी करके इसमें एम ऑर्डर लगाकर बाइंग के बारे में भी सोच सकते हो, जिसका आज का रेट था 116 रुपीज़ एंड 52 वीक हाई भी था 116 रुपीज़। 116 रुपये का शेयर है, ब्रेकआउट हो चुका है इसमें, जिसका पी है 89 का एंड ईपीएस है 1.50 का। डेट टू इक्विटी रेशियो है 3.70। कंपनी एनबीएफसी है जो कि फाइनेंसिंग और स्टॉक एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी का काम करती है कंपनी। प्रमोटर होल्डिंग है 50%, जो कि ठीक ठाक है। कंपनी के रिजल्ट भी जो है अच्छे आते हैं। सितंबर 22 में कंपनी का प्रॉफिट था 40 लाख, जून 23 में था 2 करोड़ 30 लाख और अभी सितंबर 23 में आया है 90 लाख रुपीज़। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अनाउंस की है 29 दिसंबर को टू कंसिडर बोनस। कंपनी के पास रिजर्व अच्छे खासे है तो हो सकता है कंपनी 2:1 या 3:1 बोनस डिक्लेयर करे और इसी जो एक्सपेक्टेशन से इसमें सर्किट लग रहे हैं, आज भी सर्किट लगा है। हो सकता है 29 तारीख तक सर्किट लगते रहे इसमें या उसके बाद भी लगते रहे अगर बोनस का जो रेशो है धमाकेदार आए तो। आप इस शेयर को स्टडी करके इसमें एम ऑर्डर लगा सकते हो। कंपनी का नाम है इंटेलीवेट कैपिटल वेंचर्स लिमिटेड, INTELLIVANTE, इंटेलीवेट कैपिटल वेंचर्स लिमिटेड, या फिर अगर आप आपके ऐप पे ढूंढना चाहते हो शेयर को तो आपको इस नाम से मिल जाएगा, इंटेल कैप, INTELLCAP, इंटेल कैप नाम से ये शेयर मिल जाएगा जिसका आज का रेट था 116 रुपीज़। तो इस कंपनी को स्टडी करके आप बाइक के बारे में सोच सकते हो जो कि आने वाले दिनों में लगातार अपर सर्किट में जा सकता है। प्राइस 116 रुपीज़ है। थैंक यू फ्रेंड्स।